स्पेशल जो है चेक करके देखते हैं। आपको 25 का एवरेज तो हे गाइस, भैया क्या हाल चाल है, सभी का स्वागत करते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव ब्लॉग्स में। और आज हमारे सामने आप गाड़ी देख सकते हो, यहाँ पे खड़ी हुई इस टाइम जावा की बॉबर ऑन न्यू सितंबर 2023 में। ये गाड़ी जो आई थी आपकी ब्लैक मिरर, तो ये गाड़ी को जो है राइड रिव्यू डालने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारे प्रकार की वीडियो आ गई, राइड रिव्यू नहीं आई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को राइड रिव्यू देते हैं, और इस गाड़ी की पूरी मैंने वीडियो बना के रखी हुई, आई कार्ड में आपके जो है लिंक आ रही है, आप लोग जाके देख सकते हो। इस गाड़ी के बारे में हम आपको जितना हमने आपको उस दिन बताया था, उसके साथ साथ आज जो हम आपको बताने वाले हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसा है, इसका जो है ओवरऑल जो एक्सपीरियंस वो कैसा है, रियल लाइफ रिव्यू हम आपको देने वाले हैं ये गाड़ी चलाने में कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी का जो आप देख सकते हो, ये भाई अभी जहाँ पे गाड़ी जो है खड़ी हुई है, और ये जो है इसमें सिंगल स्टैंड आता है, मेन स्टैंड नहीं आता, एक ही स्टैंड है। तो अभी जो गाड़ी को हम लोग इस पर बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी का, यहाँ से आपको भाई चाबी ऑन करनी, और देखो यहाँ आप जैसे चाबी ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको जो है सारे जो है जितने भी चीज़ें हैं इसमें, आपको जो है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, और यहाँ पे आपको जो भी सिंबल दिखाई देता है, एबीएस, इंडिकेटर, न्यूट्रल, फ्यूल गेज, सारी चीज़ें दिख जाती हैं। आप यहाँ पे देखो साइड जो है गियर सिस्टम लगा हुआ है। आज यहाँ पे देखते हो, पिछली बार जब चलाई थी हमने तो हमको जो है थोड़ा सा गियर को चेंज करने में डिफिकल्टी लगी थी। अब देखो इसमें जो है, मैंने आपको बताया था साइड एंड बार मिरर्स इसमें लगे हुए, तो इसमें जो है विजिबिलिटी कम होती है, देख रहे हो कि इसमें इस समय जो है विजिबिलिटी नहीं दिख रही, इस चीज़ का भी जो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो भैया इतने बढ़िया मौसम में देख रहे हो कि मौसम कितना प्यारा हो चुका है, तो भाई गाड़ी लेके हम लोग निकल चुके हैं। और मेरे हिसाब से अभी तक की जो है यूट्यूब पे जो है जावा बॉबर की किसी ने टेस्ट राइड नहीं डाली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही डाल देते हैं आप लोगों के लिए। इसका राइडिंग पॉस्चर, इसका भाई डायनेमिक्स कितना है, इसमें जो है माइलेज जा रहा है, सब चीज़ों बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंप्रूवमेंट करी गई थी। और देखते हैं कि मेन इसका कलर और कैसा इसका आई कैचिंग कलर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। और अभी जाम भी नहीं मिला तो बहुत बढ़िया है कि आप लोगों को बनाने में वीडियो और बताने में बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि जाम नहीं होता तो वीडियो अच्छी जाती जाती है। तो देख सकते हो कि मौसम का लुक एक नंबर है, तो आप लोगों को वीडियो में एक नंबर से डिस्क्राइब करूंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और भाई इसका राइडिंग पॉस्चर कैसा है, कैसे इसके सस्पेंशन है, कैसा है इसका भाई डायनेमिक्स है, और क्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा व्यू है, ओवर व्यू कैसा है, इसका वाइडर एंगल है जैसे कि दिख रहा अभी। तो अभी चलते भाई और गाड़ी को घुमा के लेके निकलते हैं। आप लोगों को एक बार फिर इसका जो है आपको हमको इनिशियल भी बताना है। फिलहाल मैं आपको इसमें एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ, इसमें जो है हैंडल एंड बार मिरर्स लगे हुए हैं जिसमें आपको विजिबिलिटी बहुत कम दिखती है। यार देखो, नीचे लगाओगे तो ना के बराबर विजिबिलिटी दिखती है, ऊपर लगाओगे तो थोड़ा बहुत दिख भी जाएगी, नीचे में तो ना के बराबर विजिबिलिटी दिखती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और बगल से थार निकली इसीलिए वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो यहाँ पर भाई अपने जो है गाड़ी घुमाते हैं, और अब जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग जो है देखते हैं कि गाड़ी का कैसा अरोमा आ रहा है भाई। कि पहली बात देखो, हैंडल मैं एकदम पकड़ा हूँ, इसमें हैंडल जो है स्ट्रेट बार हैंडल जो है इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई क्लिप ऑन हैंडल नहीं यूज़ किया गया है। क्लिप ऑन हैंडल अगर यूज़ किया भी जाता तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये एक बॉबर सेगमेंट की गाड़ी है, इसका एक बॉबर का जो लुक आता है, वैसे सबसे कम प्राइस में यही बॉबर आती है, इसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया। और सीट कम्फर्ट मैं बता देता हूँ, सीट कम्फर्ट एक नेक्स्ट लेवल का, भाई बैठा हूँ ना तो हिप जो है मेरे दर्द ही नहीं करते हैं एक हिसाब से। सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सीट से ही दूसरी सीट आपको नहीं मिलती पिलियन वाली, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, इसमें स्पीड अभी नहीं दिखा रहा है, जो मैं राइड लेके आया हूँ ना इसीलिए उसमें नहीं, जब आप लोगे तो आपको सब चीज़ें बढ़िया दिखाई देगा। लुक वाइडर आता है, आप जब गाड़ी को चलाते हो तो आपका जो है हैंडल पॉस्चर बहुत बढ़िया है, आप वाइड एंगल में बैठते हो कि आप जो है एकदम लीन होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, आपका बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। और आपका जो विंड ब्लास्ट, जब आप तेज़ भगाते विंड ब्लास्ट आता है, उसका भी एक अलग ही है, अगर आप उस समय जो है थोड़ा लीन करोगे ना तो आपकी गाड़ी और तेज़ भागेगी, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक की मैंने जो इनिशियल में जो मैं अपने ऑफ कैमरा जो चेक करके आया था, तो लगभग से लगभग 120-130 तो मैंने ऐसे ही भगाया था। और इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ही जो भी कह रहा हूँ इस समय कम ही है, क्योंकि यार देखो इसमें टू वे एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं, अगर आपकी हाइट जो है लंबी तो आप थोड़ा सा पीछा भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो गाड़ी को रोक के आपको आराम से हम बताएंगे, ठीक है। अभी जो है गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं, और आपको देखो यहाँ हैंडल्स पे देख रहे हो खूब सारे जो है बटन्स दे के रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखो आपको डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिलता है, आरपीएम मिलता है, फ्यूल गेज, सारी सिस्टम आपको इसमें दे के रखे हुए हैं। फिनिशिंग एंड टच गाड़ी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर दी गई है, ये बात आप लोग पॉइंट आउट करिएगा, क्योंकि फिनिशिंग और क्या कहते हैं टच, जो आपकी क्लीनिनेस है गाड़ी में, एक आप जो सामने से गाड़ी देखते हो वो चीज़ बहुत
क्लियर कर दिया गया है। इसी हिसाब से जावा की 42 नई वाली आई है 2.1 वर्जन, उसमें भी जो है नीट और क्लीननेस का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि यार गाड़ी में आजकल जो है सभी को जो है एक ग्लॉसी लुक और एक नया फीलिंग चाहिए। अच्छा ये देखो गाड़ी मैंने यहाँ पे रोका है ना, तो ये स्टैंड में मुझे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा पैर सबसे पहले साइलेंसर के पास जाके लड़ता है, तो ये आप लोगों को थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी इसमें महसूस होगी। साथ में ही गाइस इसमें जो है आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता है, तो ये भी आपके लिए जो है एक डिफिकल्टी है, बाई डिसएडवांटेज है। और ये लगा हुआ है यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन, इसमें बढ़िया है कि आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, आपको शॉक एब्जॉर्बर नहीं मिलता, क्योंकि ये सिंगल सीटर गाड़ी, तो आपको ये जो है आराम से जो है मोनोशॉक सस्पेंशन झेल लेगा। आगे बात करते हैं 280 मिलीमीटर की जो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। साथ में मौसम देख रहे हो एकदम क्लियर हो चुका है, मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस में यही आया था, क्योंकि इसमें ट्यूब टायर आपको मिल जाता है, सॉरी ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और इसमें आप देख सकते हो जिसका मडगार्ड, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और हेडलाइट के बारे में क्या बताऊँ, मतलब इसका जो थ्रो हेडलाइट आता ना, वो भी थ्रो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, पुरानी वाली जो बॉबर हमारी आती थी वैसे ही एकदम थ्रो है, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं गाइस। जावा का में बस आपको कलर के ही चेंजेस किए गए हैं और टायर्स के ही जो मेजर ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना, आप अगर ये कलर नहीं लेते तो आप वो कलर भी ले लो तो कोई फ़र्क नहीं। वैसे ही इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आ रही है 2,68,000 समथिंग लखनऊ में ऑन रोड प्राइस है। और इधर देख सकते हो ये इंजन देख सकते हो पूरा ब्लैक में कर दिया गया, इंजन आपका 334 cc का इंजन है, 30 PS की पावर आपकी जनरेट करती है और 32 Nm का टॉर्क। पीछे भी आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बाइब्री की जो है सारी डिस्क ब्रेक लगी, और ये प्लेट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेट आपकी ABS की जो है प्लेट लगी हुई है। साथ में ये है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट देख सकते हो ज़्यादा बड़े तो नहीं दे के रखे हुए हैं बुलेट के हिसाब से, लेकिन आपको इसमें डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, जिससे कि एक फील आता है आपकी गाड़ी ब्रॉड लगती है, आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। रॉयल इनफील्ड जो है वो एक नेक्स्ट अलग सेगमेंट में आ जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा रॉयल के हिसाब से दिया जाता है। और अगर यूथ को चाहिए भाई रेसिंग और सारे डायनेमिक्स, उसको तेज़ भगाना है, फील भी लेना है बॉबर वाला, तो ये गाड़ी आपके लिए। अच्छा पेराक में जो है ये टेल लैम्प जो है आपकी सीट के पीछे लगती थी, तो कंपनी ने जो है टेल लैम्प उठा के पीछे लगा दिए, क्योंकि अगर बहुत लोग आफ्टर मार्केट जो है सीट लगवा लेते हैं, तो ये आप चीज़ें ध्यान दे सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो ये टैंक पे जो ये ब्लैक स्ट्रिप है, इसका एक अलग ही लुक आता है, ये एक अलग ही चमक आती है, और टैंक तो इतना ज़्यादा चमक रहा है कि मेरा थोबड़ा भी उसमें दिख रहा है, समझ रहे हो गाइस, पूरा जो मैं हेडफोन करके लगाया हूँ ये सब चीज़ें जो है इसमें नज़र आ रहा है। देखो एक बार इसमें जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं ध्यान से, यहाँ देखो हाई लिख के आता है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको जो है बैटरी बटन दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है, ABS इंडिकेटर है, न्यूट्रल बटन है, और ये आपका आता है यहाँ पे फ्यूल का बटन, फ्यूल इंगेज का जो है आइकन शो करता है, साथ में ये आपका जो आता है बैटरी का, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आपका RPM मीटर है, ये स्पीडोमीटर ओडोमीटर है, और यहाँ पे आपको जो है क्लॉक मिलती है, ये आपकी फ्यूल गेज जो है आपको यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर दे के रखा हुआ है। हैंडल्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, हैंडल्स जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी अगर नॉर्मली खड़ी रहती है तो थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो भाई इस और ये मिरर्स जैसे कि आप मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मिरर्स में यार क्या है ना कि मिरर्स ये सिर्फ शो के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि मिरर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें ख़राब है, ये सिर्फ शो के लिए है। तो अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए ना, तो आप मिरर्स को जो है इसको ऊपर से लगवाओ थोड़े से, तो आपको वो जो है इनहेंस आएगा, ठीक है, आपकी विजिबिलिटी कम से कम क्लियर रहेगी, ठीक है। बाकी यार ये किल स्विच बटन है, और आप देख सकते हो बाकी मैंने सारी डिटेल्स जो है कवर करके रखी हुई है, और एक बार जो है इसका जो है एक बार हम लोग जो है ब्रेकिंग और क्या कहते हैं इनिशियल जो है चेक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ से मैं आपको जो इसका एक बार फिर से आपको इनिशियल दिखा दूँ, कैसे बॉडी को पुश करता हूँ। इसकी ब्रेकिंग और इसका इनिशियल कैसा है, मेरे हिसाब से इस गाड़ी का ओवरऑल यार मैं बताऊं आपको, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए इसलिए क्योंकि इससे तो पहले तो बहुत भौकाली लुक आता है, बॉबर का एक नंबर का लुक है, आप जैसे ड्राइव करोगे वैसा आएगा। मैं ब्रॉड हूँ, मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया है, इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है, आपको फुल रेंज आएगा, फुल आपको गाड़ी खींचने वाली भी है, यह गाड़ी आपको खींचने वाली मिलती है। बुलेट आपकी 60 के बाद वाइब्रेशन करती है, लेकिन ये जो है आपकी वाइब्रेशन नहीं करती, इसके हैंडल्स इतने ज़्यादा स्टेबल हैं, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसकी मेंटेनेंस जो है थोड़ी सी आपको जो है ज़्यादा पड़ती है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा उठाते हो ना, तो गो फॉर दिस बाइक, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें, मैंने आपको बहुत चीज़ें बता रखा था, कैसा इसका राइडिंग पोस्चर और इसका क्या माइलेज है। माइलेज तो फिलहाल हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, वो कब फिर कभी माइलेज टेस्ट करेंगे, लेकिन इसका जो है आपको 25 का एवरेज मिल जाता है आराम से। सिटी में बात करते हैं 20-25 का गाड़ी जो है एवरेज दे देती है। अगर आप इसको 100 के बाहर चलाओ, 150 के बाहर चलाओ, जैसे भी गाड़ी चलाओ, 25 तक की आपको एवरेज बड़े आराम से ये गाड़ी दे देती है। ये सिंगल सिलेंडर गाड़ी है,
बाकी कैसी लगी वीडियो आपको आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।